आइए भक्तों, शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विदेश्वर सरिता का 5वां अध्याय सुनाती हूँ। शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शाखाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रस्म अनुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपना कर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं समर्थ के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप गोपुर तीर्थ मंडप एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प धूप वस्त्र गंध दीप तथा पुआ और तरह तरह के व्यंजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला रहित भी मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्वक भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनंत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग वैर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताएं। नंदीकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। कथा समाप्त। हर हर महादेव।